और इसी बीच एक और खबर का रुख कर लेते हैं जो कि दिल्ली से मिल रही है। तो खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, अब साल में दो बार होगी सीबीएसई की परीक्षा, तो वहीं दसवीं और बारहवीं परीक्षाओं के लिए सीबीएसई की नई स्कीम होगी। एकेडमिक सेशन को दो पार्ट में बांटने का प्लान है, एक परीक्षा मार्च अप्रैल तो दूसरी परीक्षा नवंबर और दिसंबर में होगी। तो खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं अब दो पार्ट में होंगी, यानी कि साल में दो बार अब परीक्षाएं होंगी। तो अब साल में दो बार होंगी सीबीएसई की परीक्षाएं, दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं के लिए नई स्कीम यहां पर सीबीएसई बोर्ड लेकर आया है। एकेडमिक सेशन को दो पार्ट में बांटने का प्लान है, एक परीक्षा मार्च अप्रैल में होगी तो दूसरी परीक्षा नवंबर और दिसंबर में होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर महेंद्र विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कि सीबीएसई ने पैटर्न चेंज किया है, अब साल में दो बार दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं होंगी, किस तरीके अब पूरा पैटर्न रहेगा, किस तरीके की प्रक्रिया रहेगी? अनन्या, दरअसल सीबीएसई ने इस बार आप देखें कि अपलिफ्ट किया है छात्रों को, जो भी कोरोना की लहर के कारण ये सब चीजें हुई हैं, परीक्षाओं में थोड़ा सा लेट लतीफी भी हुई, और जो परीक्षाएं आप देखें कि जिस तरीके से प्री बोर्ड जो होता है सीबीएसई का, उसके हिसाब से अपलिफ्ट किया गया है, बारहवीं के छात्रों का रिजल्ट बनाया गया है। लेकिन अब इसको देखते हुए सीबीएसई ने ये प्लान किया है कि अब वर्ष में दो बार एकेडमिक सेशन को टू पार्ट में डिवाइड किया जाए, एक पार्ट का जो परीक्षा है वो मार्च अप्रैल में हो और दूसरी पार्ट की नवंबर दिसंबर में हो। इससे क्या होगा, इससे सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को थोड़ा राहत मिलेगी, एक ही बार पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसको आधा आधा बांट देंगे तो एक पार्ट में बच्चे जो है वो मार्च अप्रैल में अपना सेशन पूरा कर लेंगे और दूसरे पार्ट में नवंबर दिसंबर में पूरा कर लेंगे। इससे रिजल्ट में भी सुधार होगा और बच्चों को परेशानियां भी कम होंगी, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें एहतियात ये होगा कि जिस तरीके से कोरोना जैसी बीमारी से सफर किया है देश ने, और सबसे ज्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं, एजुकेशन लेवल प्रभावित हुआ है, तो अब ऐसी स्थितियों में ये जो सेमेस्टर वाइज जो प्रणाली है उसको अपना रहा है सीबीएसई बोर्ड। महेश जी, यहाँ पर दो बार परीक्षाएं हो रही हैं, यानी कि मार्च अप्रैल में होगी फिर नवंबर दिसंबर में होगी, ऐसे में परीक्षाएं जो पहले होती थी, यानी कि पहले जो है एस ए वन एस ए टू होते थे, और ऐसे में एफ ए वन एफ ए टू में जो महीने में हर दो महीने में एक परीक्षा होती थी, क्या वो परीक्षाएं रहेंगी या फिर सिर्फ ये दो परीक्षाएं जो है आयोजित की जाएंगी? क्योंकि वो परीक्षाएं जो होती थी, वो परीक्षाएं आप देखें कि एक हिसाब से मंथली टेस्ट कह लें उनको, जो परीक्षाएं आप जिनका जिक्र कर रही हैं, वो मंथली टेस्ट होते थे और उसमें बच्चों का आईक्यू लेवल, बच्चों की पढ़ाई का स्तर वो समझा जाता, तो हो सकता है कि वो सब रेगुलर हो और ये जो एकेडमिक सेशन है ये सेशन को ही दो पार्ट में बांट दिया। अभी वो जो एग्जाम होते थे, जो मंथली टू मंथ और प्री बोर्ड जो एग्जाम होते थे, वो एग्जाम में बच्चों का आप शिक्षा का स्तर नापने के लिए होते थे कि हमने जो जो सब्जेक्ट पढ़ा दिए हैं या जो जो सब्जेक्ट की क्लासेस लग रही हैं उनका क्या मूल्यांकन हो रहा है, और उसके बाद फाइनल एग्जाम होते थे। लेकिन अब ये फाइनल एग्जाम जो होते थे वो वन टाइम होते थे, उस फाइनल एग्जाम को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, तो अब जो दो एकेडमिक सेशन है उनका वो ही टू पार्ट में हो गया। इसके पहले जो उनकी प्रक्रिया होती हो वो एजिटेज रहेगी, क्योंकि जब आप देखें छह महीने में भी जब दो महीने की पढ़ाई हो जाएगी तो दो महीने बाद जो उनके टेस्ट होंगे, मासिक टेस्ट होंगे या टू मंथ टेस्ट होंगे या प्री बोर्ड होंगे, अब उनकी प्री बोर्ड की स्थिति अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जो उनके मासिक टेस्ट है वो तो एजिटेज होंगे। जी धन्यवाद महेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर बता दें आपको, दिल्ली से खबर मिल रही है कि सीबीएसई बोर्ड ने अपनी एग्जाम पैटर्न को जो है चेंज किया है, ऐसे में अब साल में एकेडमिक सेशन में दो पार्ट में परीक्षाएं होंगी, यानी कि पहली परीक्षा जो है वो मार्च अप्रैल में होगी तो वहीं दूसरी परीक्षा नवंबर दिसंबर में आयोजित की जाएगी। ऐसे में एकेडमिक सेशन में ये नया बदलाव सीबीएसई बोर्ड ने किया है, दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं के लिए नई स्कीम लाई गई है।